नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर। तो 30 बैक्टीरिया दिया हुआ है, वो अगर मान लेते हैं 1 1 1 1 इस तरह से 30 बैक्टीरिया है, और कह रहा है कि एवरी आवर इट डबल्स डाउन इट्स ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, तो एट एच इक्वल टू जीरो अगर ये है तो एट एच इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाता है, टू 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 ये टू हो जाएगा। एट एच इक्वल टू टू एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर क्या हो जाएगा, ए प्रीवियस का डबल हो जाए तो फोर 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 इस तरह से हो जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो क्या हो जा रहा है, कॉमन रेशियो इक्वल टू टू, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है तो एक तरह से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर दे रहा है। एट द एंड ऑफ एनथ आवर, एट द एंड ऑफ एनथ आवर कितना होगा, अगर एक बैक्टीरिया को लेंगे तो एट द एंड ऑफ एनथ आवर टू टू द पावर कितना हो जाता है एन, क्योंकि हर बार जैसे कि दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर टू हो गया, दैट इज टू टू द पावर वन। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर कितना होगा, टू टू द पावर टू इक्वल टू फोर। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जैसे एट द एंड ऑफ एच इक्वल टू थ्री इट विल बी एट, तो कितना टू टू द पावर थ्री। तो एट द एंड ऑफ एनथ आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर सिंगल वन जो कि एक से शुरुआत हुआ था तो कितना हो जाएगा, टू टू द पावर एन। 30 बैक्टीरिया है तो टोटल कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाए, 30 इंटू टू टू द पावर एन, ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ एनथ आवर। तो सेकेंड आवर तो क्या हो जाएगा, टोटल बैक्टीरिया एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू, तो 30 इंटू टू स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू फोर इक्वल टू 120। सिमिलरली फोर्थ आवर क्या, एट द एंड फोर्थ आवर कितना हो जाएगा, 30 इंटू टू टू द पावर फोर इक्वल टू 30 इंटू 16 इक्वल टू 480। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये हो गया आपके आंसर।